गाइस, मैं हूँ कृष्णा टेक ऑफिस। एंड गाइस, आज है संडे और आज मेरे लिए काफ़ी ख़राब दिन होने वाला है। सो आइए यार, आज के दिन के बारे में जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आगे जो फर्दर क्वेश्चन होंगे उसका जवाब आपको इसी वीडियो में आज के दिन मिलने वाला है। सो गाइस, एक दो बार मेरा आईपैड टूट चुका है, उसकी स्क्रीन जो है डैमेज हो चुकी है, और मेरा आईपैड मेरे बेड से दोनों बार गिरा है, तो दोनों बार उसकी उसी सेम प्रोसेस से उसकी स्क्रीन जा चुकी है। तो उसी की वजह से गाइस, उसकी जो आईपैड मेरा एयर है, आईपैड एयर, उसकी इमेज आपको कहीं आपकी स्क्रीन में दिख जा रही होगी, ठीक है। तो मेरा गाइस आईपैड एयर है, तो उसकी गाइस हालत बहुत ही ख़राब चल रही है आजकल। और एक मैं स्टेबल सर्विस ढूंढूँ जहाँ पर मैं आप लोग रख के थोड़ी अच्छे से बातचीत कर सकूँ। सो गाइस, मेरा आईपैड एयर की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है आजकल, मतलब क्या बताऊँ, बेचारा आजकल ठीक से काम भी नहीं कर रहा है। सो गाइस, हुआ क्या था उस दिन कि मेरा आईपैड एयर मेरे बेड में रखा हुआ था और मैं उससे बात कर रही, मेरे ब्रदर ने दरवाज़ा खोला, मैं आईपैड एयर नीचे गिर गया और करीबन इतनी हाइट होगी 3 से 4 फीट वो नीचे गिरा। और उसके बाद फिर गाइस वो उसकी जो हालत थी भाई मेरा आईपैड एयर की, बहुत ही ख़राब थी। मतलब टच तो चल रहा था, मतलब पहले उस दिन जो टच भी नहीं चल रहा था, पूरी स्क्रीन उसकी शैटर्ड हो चुकी थी, जो इस समय बढ़ चुकी थी। फिर उसका किसी तरह मतलब उसको कुछ महीने मैंने ऐसे नॉर्मल रखा, मैंने बिना बनवाए रखा था। उसके बाद फिर उसका टच हल्का फुल्का चलने लगा, मैंने थोड़ा बहुत तभी चला तो मेरे हाथ में कांच लग गया। तो आखिरकार मैंने सोचा बनवा लेते, पापा से बात की बनवाने के लिए, और भाई थोड़ी डांट पड़ी मेरे को और मेरे भाई को। तो पापा से सोचा थोड़ा बनवा लेते, उसके बाद बनवा लिया था गाइस, बनवा के गाइस तो सेकेंड टाइम जब आया उसके बाद वो ऐसे बेड में वापस रखा तो मेरे भाई ने उसको बैठ गया, तो उसका जो वाइट वाइट बॉर्डर होता है वो पूरा उसका चटना चूर हो गया, उसकी साइड की स्क्रीन चली गई। तो उस समय गाइस उसका टच ही काम करना बंद हो गया, मतलब नो टच रिस्पॉन्स आ गया था, तो कोई टच ही नहीं उसका चल रहा था भाई, बिल्कुल टच ही नहीं चल रहा था। बड़ा अच्छा से देखे दे रहा, बहुत सही मेरा कैमरा। तो गाइस उसका उस समय बिल्कुल टच ही नहीं चल रहा था, और वो गाइस सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात थी मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने वापस नहीं बनवाया क्योंकि मेरे पापा मेरे को डांटे ही नहीं। फिर मैंने उस ड्रेस से नहीं किसी को घर पे बताया, ना मेरे भाई, मतलब मम्मा को पता था, मम्मा ने कहा कि तू उसको रख दे, जब तक तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक ये बनेगा भी नहीं। तो इस बार मेरे मैथ्स में और साइंस बहुत अच्छे मार्क्स थे, इसलिए मैं बच गया और वो आज बनने के लिए गया। सो वो जब बन के आया गाइस, तो उसमें हम लोग ने लोकल रिटेलर से बनवाया, तो उसकी स्क्रीन कराऊँ वो 10 की पड़ गई थी, 10,000 की थी उसकी स्क्रीन, लोकल रिटेलर से पड़ने गई थी। मतलब एप्पल की जान पहचान का था, मतलब लोकल बंदा था, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था इस बारे में, ठीक है। तो एप्पल की जान पहचान का था, तो उसने बना के हम लोग को स्क्रीन दे दी। और गाइस, जो उसका होम बटन होता है, उसने जब बना के दिया था तो उसका होम बटन ऐसे हो गया था, जैसे ओरिजिनल आईपैड में ऐसे होता है, उसको फिंगरप्रिंट वाला नहीं था क्योंकि आईपैड फिंगरप्रिंट के साथ ही लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो जो उसका होम बटन था गाइस, वो ऐसे टेढ़ा दे दिया था उसने, ऐसे हो गया था उसका होम बटन। तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी मेरे लिए भी, मैंने फादर से और पापा कहते कि दिखा देंगे। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, होम बटन की चिंता छोड़ते हैं, और उसको आके यार हम लोग अभी आज उसको चार्ज में लगा दें, क्योंकि जब वो आया था तो 15% बैटरी के साथ आया था, मैं उसको चार्ज में लगा, बेचारा चार्ज भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी जो केबल और वगैरह सब थी वो सब बिल्कुल फाइन कंडीशन में थी गाइस, और वो चार्ज ही नहीं हो रहा था भाई, कदे चार्ज होने का नाम ही नहीं ले रहा था वो। तो फिर पता नहीं वो, फिर मैंने उसको 4 आवर्स तक चार्ज में लगा कर 4 घंटे, और 4 घंटे के बाद भी गाइस जो चार्ज ही नहीं हुआ, मतलब बन था तो वन ही हो पाता था, क्योंकि 4 घंटे में मेरे आईपैड की बैटरी अराउंड 80-100 हो जाती थी, बट वो 1 आवर में ही फंसा रहा। तो वो पता नहीं भाई क्या गंदा इशू फंस गया था उसके साथ। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको चार्ज में लगा के रखा, जो अपडेट आ गया था iOS 11 का उस समय, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उस समय, iOS 11 का अपडेट भी आ गया, मैंने कहा iOS 11 अपडेट मार देते। तो पहले तो अपडेट भी नहीं हो रहा था मेरा आईपैड क्योंकि उसकी बैटरी लो थी। फिर मैं सुबह स्कूल से आके फिर मैंने देखा तो भी 1% में फंसा रहा, उसमें फिर अपडेट का ऑप्शन आ गया, मैंने अपडेट में फेंके भाई, तब उसकी वॉट लग गई मेरा आईपैड की। तो उसमें
अपडेट किया तो बूट लूप में फंस गया, मतलब जिसको बूट लूप था एप्पल लोगों में बार बार आ रहा जा रहा है, एप्पल लोगों में आ रहा जा रहा है। तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा मेरे इसको लेके गए, पापा ने अपने स्टाफ को भेजा बेसिकली, और उस जिसको पापा ने भेजा अपने स्टाफ को, स्टाफ बड़ा गधा था, उस गधे आदमी ने उसको एक उसने अपने वहाँ गधे आदमी को दिया बनाने को मेरा आईपैड। तो उस बंदे ने मेरा आईपैड का सॉफ्टवेयर उड़ा दिया, पूरा खल्लास हो गया। उस समय मेरा आईपैड गॉन केस है, और अभी मैंने उसको एक रिपेयरिंग शॉप में दिया जो मेरे घर के जस्ट बाजू में ही है, जैसे ये मेरा घर मतलब बगल वाली गली में ही है, सो वाली रिपेयरिंग शॉप में दिया हुआ है। तो वो वाले भैया कह रहे कि वो कल तक देख लेंगे, अगर उनसे बन पाए तो बन जाएगा, वरना फिर मुझे एप्पल सेंटर जो रियल एप्पल सेंटर है आई वेव कानपुर वाला वहाँ से जाना पड़ेगा, कि मेरे घर के आसपास तो है नहीं। ओ मैं रहता हूँ यार सरोजनी नगर कबाड़ी मार्केट में, तो वहाँ से मेरे लिए भाई जज पर अकेले जाना मेरा बहुत दूर पड़ जाएगा। मेरा ब्रदर भी अपने कॉलेज की छुट्टियाँ लेके आया है, सो इसलिए मेरे लिए बहुत ही दूर पड़ जाएगा यार वो चीज़, मैं कैसे करूँ मुझे भी नहीं पता मैनेज। तो कल तक को मैंने टाइम दिया, अगर कल तक बन गया तो बन गया, और आई विल होप फॉर द बेस्ट कि बन जाए। अगर आप यहाँ पर भी एक क्लिप देख ही सकते होंगे, तो 3, 2, 1 आप वाली क्लिप देख लो कि मेरे आईपैड का क्या हाल था। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला होगा, मैंने आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला था। देख ही रहे थे उस 20 सेकेंड वाली क्लिप के अंदर कि मैं अपने आईपैड को आईट्यून से रिपेयर करा था खुद, ठीक है। मैंने उसको खुद ही रिपेयर करने की पहले सोचा, तो मैंने पहले एप्पल में डाला कि ये चीज़ आ रही है जो आपने क्लिप में, और आपको यहाँ पर वापस एक फ़ोटो डिस्प्ले हो गई होगी मिल गई, तो आपको सपोर्ट कॉम एप्पल कुछ करके आ रहा था। मैंने वो ऐप गूगल में डाला, सर्च किया, तो उसमें कह रहा था कि आपको आईट्यून से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने लैपटॉप में आईट्यून डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मैं उससे कर रहा था पहले से भाई 2.2 GB का iOS 11.4.1 डाउनलोड किया, और उसके बाद फिर भाई उसमें कुछ मतलब वो जब एक्सट्रैक्ट करने वाला था सॉफ्टवेयर को, तभी उसने डिटेक्ट कर दिया कि इसकी स्क्रीन लोकल है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा यार कि नहीं हो सकता, नहीं वो अपडेट ही नहीं हुआ। कल का मैं पूरा दिन वेस्ट किया, आज मैं सुबह 11:30 बजे गया उस दुकान को दे के आया, वो भैया भी आईट्यून से ही कर रहे, मतलब वो पता नहीं थोड़ा अजीब से कोडिंग वगैरह लगा के कर रहे, तो मेरे को आइडिया नहीं है। सो अभी मैं बनने को दिया हुआ है, एंड आई विल होप फॉर दी बेस्ट। बाकी गाइस ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे को आज की वीडियो बनाने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ ये वाली वीडियो को उसमें आईफोन में एक्सपोर्ट करके अपने लैपी में डाल के या लैपी में एडिट कर दूँगा, और उसके बाद फिर उसको यूट्यूब के लिए पब्लिश कर दूँगा। सो यार गाइस मिलते हैं, और यार प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार मैं आपको दिखाता हूँ व्यू एक बार कैसा लिख के आ रहा था मेरे उसमें। ओके ये मेरा इसमें इसी के बाहर वाला वेंट मैंने खोल के भी रखा हुआ है। एक्चुअली गाइस आपको दिख रहा है कि नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा properly। So guys, यार वीडियो enjoy कर लिया तो like कर देना, अभी हम Fortnite के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो till then enjoy and stay safe with the iPad। और अगली बार भाई मैं Apple की चीज़ें खरीदने regret करूँगा यार, मतलब इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती कि बाहर से बनवाया हुआ, और वैसे आज कानपुर का वजह सही है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और बाकी नज़ारा आज का देखिए। एक सब तो नज़ारा हमारी गली का पूरा प्राइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तो जय मात्र।